हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रैवल ट्रेंडिंग और मैं हूं आपका होस्ट रवि। तो दोस्तों, आज हम आए दिल्ली के एक ऐसे पैलेस पे जहां पर हर किसी का आना एक सपना होता है। और हम आज का जो हमारा ब्लॉग है वो डेडिकेटेड है एयरफोर्स आर्मी को, जो कि हम शूट कर रहे हैं एयरफोर्स म्यूज़ियम के अंदर। एयरफोर्स म्यूज़ियम जो है पालम में है और यह अपने आप में एक इकलौता म्यूज़ियम है जहाँ पर एयरफोर्स म्यूज़ियम का संग्रहालय है और उनके वेपन्स हैं जो उन्होंने लड़ाई में यूज़ करें। ये जो म्यूज़ियम है वो डेडिकेटेड है उन शहीदों को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई और कई लड़ाइयों में इंडिया के लिए विजय दिलाई और अपनी जान गंवाई। ऐसे शहीदों को नमन है और चलते हैं आगे, हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये म्यूज़ियम बुधवार से रविवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों के लिए खुला रहता है। यह सोमवार, मंगलवार व अन्य सामान्य छुट्टियों के दिन बंद रहता है। और दोस्तों, यहाँ आने पर आपको सबसे पहले एंट्री करानी होगी और वो सामने आप देख रहे हैं, वहाँ पर आपको अपना सामान जमा कराना होगा, तभी आप अंदर जा सकते हैं। और आप सामने वो देख रहे हैं, वहाँ से ही आपको अंदर जाने के लिए टिकट मिलेगी। टिकट का प्राइस बहुत ही मामूली रखा गया है, जो कि 30 रुपये हैं, यानी कि 30 रुपीज़। और दोस्तों, हम आगे चलते हैं। और दोस्तों, ये है S-55 हेलीकॉप्टर, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया था। दोस्तों, इसमें यानी कि S-55 में 8 से 10 लोगों की सीट होती है और ये बहुत उपयोगी हेलीकॉप्टर था। यह यात्रियों, वायु, डाक, मालवाहक, वायु बचाव तथा सैनिकों सेवाओं के लिए उपयुक्त हेलीकॉप्टर था। 2 कर्मियों वाले इस बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर का ज़्यादातर उपयोग अति विशिष्ट लोगों के लिए किया जाता था। नेफा को पार कर आए तिब्बती शरणार्थियों को ले जाने के लिए और 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान मैदानी इलाकों में इस हेलीकॉप्टर का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया था। और दोस्तों, ये है MI-4 हेलीकॉप्टर। इसका व्यापक इस्तेमाल 1961 में गोवा में पुलिस कार्रवाई के समय, 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान सामान पूर्ति और घायलों को हटाने में 60 में किया गया था। और दोस्तों, ये है वार ट्रॉफीज युद्ध विजय स्मारक। और दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं ये सारे रेमनेंट हैं पाकिस्तानी स्वेयर जेट एयरक्राफ्ट के, जो कि 1971 की इंडो पाक वार में शॉट किया गया था हमारे इंडियन एयरफोर्स द्वारा। और यहाँ पर जो है इसकी है मेन प्लेन है, एयरक्राफ्ट इंजन है, रेमनेंट ऑफ कॉकपिट है, इंजेक्शन सीट है, रेमनेंट ऑफ टेल सेलेक्शन, रॉकेट्स, मशीन गन, ड्रॉप टैंक, आपको ये सारे यहाँ पे मिल जाएंगे जो आप देख रहे हैं। और दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। दोस्तों, ये है कैनबेरा एरोप्लेन। ये है कैनबेरा एरोप्लेन जो है यूके के अंदर बना था। दोस्तों, इस विमान ने भारतीय वायुसेना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैनबेरा दुश्मनों पर गहराई से वार कर सकता था। ऑपरेशन विजय गोवा 1961, 1965 और 1971 भारत पाक संघर्ष के दौरान कैनबेरा ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। दोस्तों, यह है लिबरेटर B-24 एरोप्लेन। इसका निर्माता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ये USA में बना था। इस लंबी दूरी वाले बम बरसक का व्यापक इस्तेमाल दूसरे महायुद्ध के दौरान जापान के विरुद्ध प्रशांत महासागर युद्ध में किया गया था। और दोस्तों, सामने है एरोप्लेन हैंगर और यह है हैंगर का रनवे। और चारों तरफ ये देखिए प्लेन ही प्लेन है।
यहाँ चारों तरफ आपको प्लेन ही प्लेन मिल जाएंगे, तरह तरह के प्लेन हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये प्लेन क्या हैं और उनका एयरफोर्स में क्या योगदान रहा और उनका नाम क्या है। और दोस्तों ये है HAL HF 24 मारुत टेम्पेस्ट भी कहा जाता था, जो कि एक फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट था 1961 का। इसे हिंदुस्तान ने डेवलप किया था। और दोस्तों ये है हॉकर हंटर एयरप्लेन, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूके के अंदर हुई थी। दोस्तों हॉकर हंटर का इस्तेमाल 1961 में विजय ऑपरेशन गोवा में हुई पुलिस कार्रवाई के दौरान 1962 में एवं 1971 में भारत पाक युद्धों के दौरान किया गया था। और दोस्तों ये है डसॉल्ट और अगेन IC 554 एरोप्लेन, और इसके साथ में ही है डसॉल्ट मिस्टर 4 थे IA। और दोस्तों ये है स्विफ्ट फायर एरोप्लेन, जिसका इस्तेमाल 1944 से 1957 के बीच में किया गया। ये वायुयान अब तक के बने सभी वायुयान में बेस्ट एयरक्राफ्टों में से एक है। और दोस्तों ये है MiG-21, इसका इस्तेमाल 1960 में किया गया था, जो कि एक बेहद ही शानदार एयरक्राफ्ट था। दोस्तों ये है सुखोई SU-7, ये एक सुपरसोनिक क्षमता वाला प्रथम जमीनी आक्रमण वाला लड़ाकू SU-7 वायुयान 1971 के भारत पाक युद्ध का एक महत्वपूर्ण वायुयान था, जो कि जमीनी सहयोग के साथ साथ एयर में भी अत्यंत विशिष्ट भूमिका निभाता था। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना बड़ा जखीरा है एयरफोर्स के प्लेनों का, जो कि लड़ाइयों में यूज़ हुए और जिन्होंने हमारे देश में कई लड़ाइयों में जीत दिलाई है और हमारे देश को इस मुकाम पे लाया है कि हम आज़ादी से रह सकें, जिसमें कई जवानों ने भी अपना बलिदान दिया है। और यहाँ पे सारे के सारे जो आप देखेंगे एयरफोर्स हैं मेरे पीछे, इतने सारे एयरफोर्स, तभी मैं सोचता था कि एक एरोप्लेन देखूंगा, बट यहाँ पे तो इतना बड़ा जखीरा है कि यहाँ पे मेरा दिल बड़ा खुश हो गया है। आप देखिए मेरे पीछे कितने सारे प्लेन हैं। ये प्लेन कभी जो है आसमान को छूते होंगे, लेकिन बट अभी ये एग्जीबिशन में लगा दिए हैं, यानी कि म्यूज़ियम में लगा दिए हैं, ताकि लोग इन्हें देखें और इन्जॉय करें और याद करें कि हमारे देश में, मतलब जो इंडिया के अंदर हैं, वहाँ पर किस किस तरह के प्लेन्स थे स्टार्टिंग में। और साथ में आप देखेंगे इसमें जो है पाकिस्तान का भी प्लेन खड़ा हुआ है। आई थिंक ये यहाँ पर शो पीस है कि हमने लड़ाई जीती और हम उनका प्लेन लेकर आ गए। इंडिया के नहीं, काफ़ी बाकी देशों के भी हैं। और ये पीछे है किर्सक,
ये खेती में यूज होता है। सारे गए थे और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर जो है इसमें कई जो है इतिहास को दर्शाया गया है एरोप्लेन के, जैसे कि एक है नंबर 6 स्क्वाड्रन की वर्षगांठ के अवसर पर पॉम्पलेट का विक्रम। चलिए जरा नीचे चलते हैं और अंदर का इंटरनल म्यूज़ियम तो हमने देख लिया, अब बाहर चल के देखते हैं कि बाहर का म्यूज़ियम कैसा है। मुझे सबसे बेस्ट जो है ये बॉम्बे सिटी वाला एयरप्लेन बड़ा अच्छा लगा, सबसे बेस्ट मुझे यही लगा। चलिए बाहर चल के देखते हैं कि कैसा है यहाँ का म्यूज़ियम। इंटरनल तो हमने देख लिया है म्यूज़ियम का पार्ट, अब है एक्सटर्नल देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से प्लेन जो है रखे गए हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, नॉलेज बढ़ेगी और अगर आपने नहीं देखा है कभी तो आप भी यहाँ आकर डिफरेंट टाइप के एरोप्लेन्स देख सकते। दोस्तों ये देखिए मेरे साइड में है इंडियन एयरफोर्स का प्लेन। ये देखिए इसके विंग्स, ओह मैंने सोचा कि इसको वैसे घूमते होंगे बट ये हिल नहीं रहे क्योंकि मशीन से चलते। बहुत ही लाजवाब एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पर, मैंने इतनी जगह ब्लॉगिंग की है बट मुझे वो मज़ा नहीं आया जो यहाँ पर आके आया है। एरोप्लेन से और दोस्तों ये है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो सर, जिनको उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र मिला था। और आप साथ में देखेंगे इनका जो है एयरक्राफ्ट है, इसका नाम है इंटरपेड ग्रेनेड, जो कि बहुत शानदार एयरक्राफ्ट था। तो जिसको इनके साथ ही इस म्यूजियम में रखा गया है। और दोस्तों ये है अपोलो लूनार मॉड्यूल, इस म्यूज़ियम के देखने के बाद हम चलते हैं आगे गैलरी देखने जो कि इंटरनल गैलरी है, उसमें देखते हैं क्या क्या है। चलते हैं म्यूज़ियम के सेकंड म्यूज़ियम के अंदर जिसमें गैलरी है हेरिटेज हिस्ट्री आर्मामेंट एंड मेमोरेबल थिंग्स की। और दोस्तों इसकी इनॉग्रेशन हुई थी एयर चीफ मार्शल NC सूरी PVSM AVSM VM ADC द्वारा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ 10 जून 1993 में। और दोस्तों आप अंदर जाएंगे तो आपको हेरिटेज एयरक्राफ्ट की काफ़ी बड़ी गैलरी आपको मिल जाएगी, उसके मॉडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं हेरिटेज एयरक्राफ्ट। और यह है रडार मॉडल जो कि HAL बेंगलोर टू एयर चीफ मार्शल IM खत्रे ने सितंबर 1984 में बनाया था। और दोस्तों ये है यूनिफॉर्म एयर चीफ मार्शल NAK ब्राउनी की वर्दी। और आगे चलते हैं हम, जो इनको मेडल्स मिले थे
और जो उनके गिफ्ट मिले थे वो सब यहाँ पे रखे गए। और यह सिग्नल जनरेटर, ट्रांसमीटर, और यह रॉकेट 57 mm, और यह है एक्स आर्मी ऑफिसर्स की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। और दोस्तों ये है एरो इंजन फिटेड ऑन MI-8 हेलीकॉप्टर, यानी कि MI-8 हेलीकॉप्टर का इंजन, आंतरिक इंजन जो है आप देख रहे हैं। और दोस्तों ये है लेज़र गाइड मिसाइल, जो कि ट्रेनिंग मिसाइल थी, इसका नाम था KH-29 ट्रेनिंग मिसाइल। इसके आगे है दोस्तों सोवेनियर शॉप, चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या है। और देखिए ये दोस्तों एयरक्राफ्ट बेचेस हैं जिनको आप देख सकते हैं, ये स्टिकर्स, सामने आप वॉचेस देख सकते हैं, मास्क देख सकते हैं, कॉफी मगे हैं, और इधर है एयरक्राफ्ट के मॉडल्स जो कि आप परचेज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं और डिफरेंट टाइप का इनका प्राइस है। और यह है यहाँ एयरफोर्स का मर्चेंडाइज, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और ये की चेन्स जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में, आप ये ट्राई कर सकते हैं। कॉफी मग्स, काफ़ी वेराइटी है। आप यहाँ पर आएँ, अगर आप एयरफोर्स म्यूज़ियम में आते हैं तो आप एक बार चेक कीजिएगा। और दोस्तों ये है लॉन्ग वाला लॉन्च, ये एकमात्र
रेस्टोरेंट कह सकते हैं हम, एकमात्र रेस्टोरेंट है एयरफोर्स म्यूजियम में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चारों तरफ से ट्रांसपेरेंट रखा गया है, यानी कि ग्लासों से ग्लास हैं चारों तरफ और अंदर एयर कंडीशनर है पूरी तरह से। और गाइस ये है एयरफोर्स म्यूजियम की कैंटीन, और ये कैंटीन में बहुत अच्छी है। इसमें प्राइजेस जो है रीजनेबल प्राइस है, जेन्युइन प्राइस है। इसमें आपको एक्स्ट्रा प्राइस नहीं मिलेंगे, जो MRP है उसी पे मिलेंगे। और आप चारों तरफ देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे, दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब वापस चलते हैं बाहर की तरफ। और ये सामने देखें युद्ध स्मृति, मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ, आगे हमें जाने की परमिशन नहीं मिली थी। और दोस्तों हमने पूरा म्यूजियम देखा। म्यूजियम को दो पार्टों में बांटा गया है, एक इंटरनल म्यूजियम जिसमें एक एयरफोर्स के फाइटर्स हैं उनकी एग्जीबिशन रखी गई है, उनको क्या क्या मेडल्स मिले, उनके वेपन्स वगैरह क्या क्या थे। एयरफोर्स का जो एयरप्लेन म्यूजियम था उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के प्लेन्स देखे जो कि काफ़ी फाइट्स में यूज़ किए गए हैं। और जो है फाइटर्स को हमने देखा, एयर फाइटर को हमने देखा, और उनकी मेमोरीज में जो जो उसमें एयरप्लेन रखे गए हैं और जो जो चीज़ें थी हमने सब देखी, बहुत इन्जॉय किया। गर्मियों की छुट्टी के अंदर आप अपने बच्चों को ला सकते हैं यहाँ पर, बच्चों को बहुत इंजॉय करेंगे यहाँ पर। और दोस्तों अगर ये ब्लॉग अच्छा आपको लगा हो तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम है तो को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अब आगे, आपसे मिलता हूँ मैं नए ब्लॉग्स के अंदर। एयरफोर्स का म्यूजियम का ब्लॉग है वो यहीं पर हम फिनिश करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग्स के अंदर। बाय दोस्तों।